रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहीन इंग्लिश लर्नर्स। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। सो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यूज में भी पूछा जा चुका है, स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन इंग्लिश इंटरव्यू। तो इसमें जो है बेसिक कन्फ्यूजन ये है कि हम यूजुअली सुनते रहते हैं फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है, ठीक है। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो पूछा नहीं जाता है। चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे करके पूछी जाएं तो हम जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप जो को है इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसका अच्छे तरीके से पता चल सके, और आइंदा अगर आप इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस या सिचुएशन फेस करते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो है वो हम इस तरह देख सकते हैं, जैसे इसमें देखता क्या है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक ग्रेटर लेवल पे होती है और एक स्मॉलर लेवल पे होती है, ठीक है। यानी कि जो जुमला होता है उसके तीन लेवल्स होते हैं, अगर हम उसको जनरली डिवाइड करें तो उसके तीन लेवल होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अगर लिंग्विस्टिकली देखें, कॉन्टेक्चुअली देखें, लिंग्विस्टिक्स रोल्स देखें, सेमेंटिक्स रोल्स देखें, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये हम जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें तो वो क्या होते हैं, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो क्लॉज, सबसे पहले फ्रेज छोटा होता है, उससे बड़ा थोड़ा क्लॉज होता है और उससे बड़े सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी जो है जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, सबसे छोटा हिस्सा फ्रेज, उससे बड़ा क्लॉज और उससे बड़ा सेंटेंस। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। एवरी सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ क्लॉजेज और फ्रेजेस, बट समटाइम्स इट कैन बी ट्रिकली टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। जी, तो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, देखते हैं इसको। बोथ फ्रेजेज एंड क्लॉजेज कंटेन ग्रुप्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स। जी, तो दोनों में जो वर्ड्स हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं, एंड हेल्प अस टू मेक सेंटेंसेज। जी, तो ये हेल्प करते हैं हमें सेंटेंसेज को समझने में, कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस इनसे मिलके ही देता है, सेंटेंस जो है वो इनके बगैर नहीं बन सकता। बट दे बोथ हैव डिफरेंट रोल्स, इनके रोल्स डिफरेंट हैं। तो इसको हम देखते हैं कि रोल्स के क्या हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो क्लॉज जो है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, क्लॉज की निशानी है कि एक सब्जेक्ट और उसमें एक वर्ब होना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब या प्रेडिकेट की आप बात कर लें, वर्ब की जगह प्रेडिकेट भी यूज़ करें, वो भी वर्ब को ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो फ्रेज होता है उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे हमें नहीं मिलेंगे, हो सकता है कोई एक चीज़ हमें एक वक्त में मिल जाए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। अगर ये इकट्ठे होंगे तो हम उसे क्लॉज कहेंगे। तो अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल क्लॉज। अच्छा, एक सिंगल क्लॉज के भी जो है वो सेंटेंस की सेंस दे सकता है, वो इस तरह दे सकता है, अगर तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो जो है वो बाय इट्स ओन जो है वो एक सेंस देगा, और वो जो सेंटेंस की डेफिनेशन भी है कि वो कंप्लीट थॉट देता है, कंप्लीट थॉट उसमें हमें पता चलती है। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ बियर, ये एक फ्रेज है, सॉरी ये एक क्लॉज है, और इस क्लॉज में अगर हम देखें तो ये कंप्लीट सेंस देख रहा है, उसने देखा क्या, उसने बता तो दिया, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस की भी सेंस देते हैं। तो इस तरह वो कह रहा है सेंटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल क्लॉज, एक सिंगल क्लॉज भी सेंटेंस की सेंस दे सकता है, बट अ सिंगल फ्रेज कैंट मेक अप अ सेंटेंस। तो एक सिंगल जो फ्रेज है वो कभी सेंटेंस नहीं बना सकता, जबकि एक सिंगल क्लॉज जो है उससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेजेस एड मीनिंग्स टू सेंटेंसेस बट दे कैन क्रिएट अ सेंटेंस बट दे कैंट क्रिएट अ सेंटेंस ऑन देयर ओन। जी, इनके साथ मीनिंग में तो इजाफा होता है, जैसे फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, तो बहुत सारी किस्में होती हैं। तो ये जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर जो है फ्रेजेस काम करते हैं, जबकि क्लॉजेज जो हैं वो थोड़े और अपर लेवल पे होते हैं, जो कि जिसमें फ्रेजेस जब मिलते हैं तो वो क्लॉज बनाते हैं, क्लॉज जब मिलते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं। तो ये इनमें बेसिकली डिफरेंस है, इसको मजीद देखते हैं।
तो देखें फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में, इसको हम जो है वो इन डिटेल देखते हैं। नीचे एक जुमला भी है उसको हम एलेबोरेट करेंगे। एन इजी वे टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज इज टू रिमेंबर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस। अ क्लॉज कंटेन फ्रेजेस एंड अ सेंटेंस कंटेन क्लॉजेस। जी, तो एक फ्रेज जो है वो मिलते हैं जब, तो एक क्लॉज बनता है, और जब क्लॉजेस मिलते हैं तो क्या सेंटेंस होता है। तो एक सेंटेंस में क्लॉजेस होते हैं, और एक उससे नीचे क्लॉजेस में आए तो उसमें फ्रेजेस होते हैं। तो सो टू मेक अ सेंटेंस द बिल्डिंग ब्लॉक्स वुड गो इन दिस ऑर्डर। सबसे पहले छोटा फ्रेज, फ्रेजेस मिलेंगे तो क्लॉज बनेगा, क्लॉजेस मिलेंगे तो क्या होगा सेंटेंस। ही एस्केप्ड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, ठीक है, वो रेस्टोरेंट से भाग गया। तो ये हम एक अगर देखें तो ये क्लॉज है, ही एस्केप्ड फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट तक जो है ये क्या है क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक सेंटेंस के तौर पे भी वर्क कर रहा है। विदाउट एनी डिले ये हम फ्रेज के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विदाउट एनी डिले जो है वो एक छोटा फ्रेज है, और क्लॉज क्या है, ही एस्केप्ड फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अब ये क्लॉज और ये फ्रेज मिलकर एक सेंस दे रहे हैं जो कि सेंटेंस की सूरत में है। तो सेंटेंस ग्रेटर लेवल पे होता है, और उससे निचले लेवल पे क्लॉज होता है, और उससे नीचे जो है ये फ्रेजेस होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन करेंगे। रिमेंबर दैट अ सेंटेंस नो मैटर वेदर सिंपल और कंपाउंड कम्प्लेक्स इज अ कंप्लीट थॉट दैट हैज बीन फुली पंक्चुएटेड। इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद सम टाइप ऑफ पंक्चुएशन, वेदर दैट्स अ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और एलिप्सिस। जी, तो सेंटेंस है कंप्लीट थॉट देता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स होती हैं, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हो सकते हैं जो कि सिंपल एक से होता है सेंटेंस, एक कंपाउंड होता है दो या तीन से मिलकर, उसके बाद कंप्लेक्स होता है। तो बहुत सारे फ्रेज सॉरी क्लॉजेज मिलके इसको बनाते हैं, और जाहिर है बहुत सारे क्लॉजेज में फ्रेजेज होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम फ्रेज में आते हैं। तो फ्रेज क्या होगा, फ्रेज सिंगल उसमें कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रेज में कोई प्रपोजिशन भी यूज़ हो सकती है, जैसे प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, या कोई भी ये सब्जेक्ट के तौर पे या वैसे प्रपोजिशन के तौर पर आ सकता है। लेकिन जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है, और जो सेंटेंस है वो कंप्लीट थॉट देता है, उसमें फ्रेज भी होता है, उसमें क्लॉजेस भी होते हैं, उसमें सब कुछ होता है, फिर वो एक सेंटेंस बनता है। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज और क्लॉज, तो द क्विकेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज और अ क्लॉज इज टू लुक फॉर बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जी, अगर तो सब्जेक्ट और वर्ब हो तो क्लॉज है, अगर ये दोनों ना हो तो या एक हो तो क्या है वो आप इसको फ्रेज कह सकते हैं। वाइट एंड रेसबेरी चॉकलेट इज डिलीशियस, जिसमें वाइट एंड रेसबेरी चॉकलेट जो है ये पूरा का पूरा जो है वो फ्रेज है, ठीक है। ये जो है एक फ्रेज के तौर पर काम कर रहा है, और लेकिन इज डिलीशियस जब हम इसके साथ लगाते हैं तो ये क्लॉज के तौर पर पार्ट करता है। जैसे द होल सेंटेंस इट सेल्फ इज अ क्लॉज, अ मेन क्लॉज टू बी एग्जैक्ट, बट अ पार्ट ऑफ द क्लॉज इज अ फ्रेज। जी, तो वाइट एंड रेस्पबेरी चॉकलेट डजेंट कंटेन अ वर्ब। जी, अगर आप गौर करें, वाइट एंड रेस्पबेरी चॉकलेट एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो हम इसको क्या कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तो ये हम इसको सिर्फ फ्रेज ही समझेंगे, दैट मीन्स इट्स अ फ्रेज। हाउ एवर देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लोजेज विच इज वट मेक टेलिंग द डिफरेंस डिफिकल्ट। तो वट आर फ्रेजेस क्लोज एंड सेंटेंसेज, तो इसकी जनरली हम एक एक सबके अब डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से जो है ये हमारे जहन में रहे और हमें भूले ना। तो फ्रेजेज एंड क्लॉजेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेज, फ्रेजेज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, एक्ट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ये जहन में रखना है। फ्रेजेज जो है सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर एक्ट करते हैं, इसका इसके अलावा कोई रोल नहीं होता जुमले में। जैसे जैसे हम एडजेक्टिव या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एडवर्ब, तो हम उनकी उन्हीं की तरह ये फ्रेजेस में काम देते हैं। डिफरेंस ये होता है, ये मिलके ज़रा इसको बनाते हैं। सो दैट द फ्रेज इट सेल्फ फंक्शंस एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेजेस कैन फंक्शन एज नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। अगर हम क्लॉजेस की बात करें, क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस।
जी तो क्लॉजेज जो हैं वो सेंटेंस के तौर पे भी काम कर सकते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट हों तो। जी तो अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ नाउन, अ प्रोनाउन एंड अ प्रेडिकेट, अ वर्ब और वर्ब फ्रेज। द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो यूजेस फ्रेजेज एंड क्लॉजेज इन वेरिंग डिग्रीज ऑफ कम्प्लेक्सिटी। तो जी ये था इसमें मेन डिफरेंस। फ्रेज जो है वो एक सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें वर्ब कभी नहीं होगा, और जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, और जो सेंटेंस है उसमें जो है वो सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, उसमें फ्रेजेस भी होंगे, क्लॉजेस भी होंगे, कंपाउंड भी हो सकता है, कंप्लेक्स भी हो सकता है, और वो कंप्लीट थॉट देगा और वो सेंटेंस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।